रेसलर बजरंग पुनिया, साकी मलिक एवं विनेश फोगट को विरोध। नुआदिल्ली जंतर मंतर आंदोलन को लाइछन्ते हजार हजार संख्या रे कनिष्ठ कुस्तीजोधा। देशर विभिन्न प्रांतर कुस्तीजोधा माने आसी विक्षोभ प्रदर्शन रे सामिल होइछन्ते। तीन जना वरिष्ठ कुस्तीजोधांक पई आज हजार हजार कुस्तीजोधांकर भविष्य अंधार भितर को ठेली होइ जायतिबा अभिजोख करा जायछे। भारतीय कुस्ती महासंघ को केन्द्र सरकार सस्पेंड करने पर एवं समस्त प्रतियोगिता और तालीम केन्द्र बंद रही कारण अभ्यास बाधाप्राप्त हो। सरकार केवल तीन जन हजार हजार कुस्ती योद्धा भविष्य को अणदेखा न करूँ बोली दावी करा जाउछे। अदानी हिंडेनबर्ग मामलें आसी बड़ राय, सेबी पक्षर कर तदंतरे हस्तक्षेप करने मना कर सर्वोच्च अदालत। सेबीर तदंतरे कौन त्रुटि नाइंट सुप्रीमकोर्ट आसित तीन मस मधे तदंत शेष करने कोर्ट निर्देश देते। तीन विचारपति द्वारा गठित खंडपीठ मामलार राय शुणाई सेबीर तदंत और एक्सपर्ट कमिटर सदस्यों विश्वसनीयता और निरपेक्षता को नहीं आवेदनकारी उठाई प्रश्न को खारज कर 2023 जनवरी में आमेरिकार सॉर्ट सेलिंग फार्म हिंडेनबर्ग पक्षर् अदानी ग्रुप विरोध में अभियोग आने शेयर बजार में यार प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत गस्तर आज हो द्वितीय दिन लक्षद्वीप मेगा रोड शो करने सहित विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करते पीएम मोदी। यह अवसर में आयोजित सभा को संबोधित करते मोदी पूर्व सरकार लक्षद्वीप को अवहेला कर 2014 पर लक्षद्वीप विकास को विशेष गुरुत्व दिया कहते प्रधानमंत्री। आज भी ईडी हाजर हेले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामलें केजरीवाल को पचराउचरा तृतीय थर लगी समन जारी कर प्रवर्तन निर्देशालय। प्रवर्तन निर्देशालय नोटिस लिखित जवाब दे नोटिस को बेआईन बोली कहते दिल्ली मुख्यमंत्री। सहयोग करने राजी थे निर्वाचन पूर्व एपरी नोटिस को नहीं तरह सन्देह बढ़ा कहते अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कहवा अनुजाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त करने पर चक्रांत कर पूर्व दुई थर इडर समन सत्वे हाजर हो अरविंद केजरीवाल। सेबे ईडी हाजर नहवा प्रसंग में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टार्गेट करुछि बीजेपी। भ्रष्टाचार दुर्नीतिर चरम सीमा टपिछि दिल्ली सरकार। ईडी अफिस कले गिरफ होवार भय कारण मुख्यमंत्री हाजर हो अभियोग कर दल निज केजरीवाल दिल्लीवासी छलना करता बेले जांच एजेन्सी स्वच्छता को प्रश्न उठा हास्यास्पद बीजेपी कहते। झारखंड मुख्यमंत्री सहयोगी घर प्रवर्तन निर्देशालय चढ़ाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया परामर्शदाता अभिषेक प्रसाद रांचीस्थित घर चढ़ाऊ कर ईडी। अभिषेक प्रसाद घर समेत 12 भिन्न भिन्न ठिकन चढ़ाऊ कर प्रवर्तन निर्देशालय। मनी लॉन्ड्रिंग मामलें यह चढ़ाऊ चली। आसाम बड़धरण दुर्घटना बस और ट्रक मध्य धक्का 14 जन जीवन जाइए। आसाम गोलाघाट जिला डेर गांव में यह दुर्घटना घटी 14 जन मृत्यु होता बेले 25 अधिक होती आहत। बस यात्री बिक्री करने को जाता बेले भोर 5 समय दुर्घटना घटी। कोयला बोझे ट्रक सहित धक्का जो दुर्घटना घटी। आहत मान स्थानीय मेडिकल भर्ती कर आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रमुख घटना को नहीं दुख प्रकाश कर। देश में पुणि उपरमुहा रोचे करोना मीटर 24 घंटे देश में 602 पजिट चिन्हट होती। इस समय मध्य 5 जन करोना आक्रांत मृत्यु घटू आज देश में सक्रिय करोना संक्रमित संख्या 4440 छुई। 2023 नवंबर में रिकॉर्ड 23 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को निषिद्ध करी कंपनी। आईटी नियम आधार में यूजर्स मैंने अभियोग करने पूर्व निज आड़ ए समस्त अकाउंट को बैन कंपनी कर 2023 वर्ष में मोट 7 कोटी अधिक अकाउंट को निषिद्ध करता कंपनी पक्ष। सरकार सहित आलोचना होगी सफल आंदोलन ओरिबे ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन नहीं आसीथिबा नुआ आईन एवं कार्यकारी होबना बोली सरकार पक्ष प्रतिश्रुति मिलवा पर आंदोलन प्रत्याहत कर नुआ आईन को नहीं चकाजाम करने सहित राजरास्ता को ओल्लैते लक्ष लक्ष ट्रक ड्राइवर। पुणि थे चर्चा में टीएमसी सांसद महुआ मैत्री। कोलकाता पुलिस सहायत गुइंदागिरी करुवा नहीं महुआ विरोध में अभियोग आनी पूर्वतन प्रेमिका अनंत देहाद्राई एने अनंत केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह और सीबीआई निर्देशकों को चिठी लिखिता सूचना रही। दिल्ली एनसीआर समेत विभिन्न राज्य में द्रुत भाव में तापमात्रा ह्रास पाया सहित असंभा शीत अनुभूत होती। नुआदिल्ली में शीत लहरी सह घन कोहर प्रभाव देखा मिली। वायु प्रदूषण ह्रास पाता बेले कटका को हटाई दिल्ली सरकार। घन कोहर जो विमान सेवा बाधाप्राप्त होती। दिल्ली विमानबंदर में विमान उड़ाण विलंब होती। तापमात्रा ह्रास जो शीत बढ़ा संघ को राजधानी दिल्ली समेत आखपाख अंचल में घन कोहर प्रभाव देखा मिली। विमान चलाचल पर यार सीधासख प्रभाव पड़ी। विमानबंदर में यात्री अटकी रोकवा देखा मिली।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହିତ କୋଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶୀତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସୁଅ। ଜମ୍ମୁ କୁପୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଲୋଲାଓ ଭ୍ୟାଲିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତିନି ମାସ ପୁରିଛି। ହମାସ ଆଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଆଇଡିଏଫ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ସାଲେହେ ଅଲ୍ ଅରୁରିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଲେହେ ଅଲ୍ ଅରୁରିର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ।